कृषि कानून और किसानों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी, शरद पवार समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेगा मुलाकात। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने किया ऐलान। भारत बंद का कई राज्यों में असर। बंगाल और आंध्रा में लेफ्ट तो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे। जयपुर में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में पथराव। भारत बंद के दौरान असम में कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मलकापुर में रोकी गई ट्रेन। बिहार के दरभंगा में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तमिलनाडु में डीएमके तो तेलंगाना में सत्ताधारी टीआरएस का किसानों के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में कड़ी सुरक्षा के बीच किसानों का बंद जारी। आईटीओ पर कांग्रेस ने बनाई मानव श्रृंखला। दिल्ली मेरठ हाईवे बंद। गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में एक दिन के अनशन पर बैठे अन्ना हजारे, बोले आंदोलन होना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और वो किसानों के हित में कदम उठाए। सभी करें भारत बंद का समर्थन। कोरोना संक्रमण के बीच आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में रहस्यमय बीमारी हुई भयावह। एक की जान गई, 500 से ज्यादा लोग हुए बीमार। बीमारी की जांच के लिए दिल्ली से मेडिकल विशेषज्ञों की टीम को आंध्र प्रदेश के एलुरु भेजा गया। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे सोनीपत के एक किसान की मौत, परिजन बोले ठंड से गई जान। और 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 12 रनों से दी मात। भारत ने 2-1 से की सीरीज अपने नाम।